पक जाते तो हाँ लगती है, पकेंगे अभी 20 दिन बाद पकेंगे, ठीक है, चिंता न करो। और 20 kg 25 kg घर पहुंचेंगे आराम से खाना, हर साल पहुंचते हैं 25 kg। और ये देखिए मामा जी आज मेरी मदद करने आए, ये देखिए मामा जी एक हाथ से कूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी दीदी है। और देखिए फ्रेंड्स इधर मेरी भांजी शिवानी लगा रही है पोंछा, झाड़ू लगा चुकी है और बस बच्चे सब तैयार हो रहे हैं फटाफट बाग में जाने की खुशी, आज जल्दी उठे हैं। शिवानी बेटा हाँ मामा जी, आज इतनी जल्दी तुम पोंछा कैसे लगा रही हो? क्योंकि हम लोग बाग में जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सुन लीजिए, तो बाग में क्या करना है? बाग में आम खाने जा रहे हैं, आम तोड़ने, फोटो खिंचाने, आम तोड़ने, मामा जी को घुमाने, मामा जी को घुमाने, मामा जी बच्चों को घुमाने जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, करो फिर जल्दी से करो तैयारी फटाफट, ठीक है। और इधर मेरा छोटा भांजा गुलशन अभी शर्मा रहा है, अभी इसका एजिटेशन दूर नहीं हुआ। हर्षित बाबू चला रहे हैं टीवी, देखो रिमोट हाथ में, और मुझे देखते ही टीवी कर दी बंद। पूरा घर दिखा दूं आपको, इधर जानवर रहते हैं, ये देखिए चारा कूटने वाली मशीन है, इधर बाथरूम वगैरह है, और ये गाय और भैंसे हैं। और इधर मेरा भांजा हीरो लेकर आया है, देखिए कितना भारी बोझा, ज्वार का बोझा लाया है। इसे बॉडी बनाने का काफ़ी शौक है और कहता है मामा जी मुझे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में जाना है, तो मामा जी का आशीर्वाद। अरे हमारे फिल्म स्टार गोविंदा अपने भांजे कृष्णा को पहुंचा सकते हैं, तो मैं भी कोशिश तो कर ही सकता हूँ भांजे की इच्छा पूरी करने के लिए। इधर जीजा जी हंस रहे और दोनों बाप बेटा लेकर आए हैं ज्वार का बोझ। और अभी अंकित खुद कूटता है, गांव में जिम नहीं है फ्रेंड्स, तो बॉडी बनाने का सबसे उत्तम तरीका होता है चारा कूटने वाली मशीन। और देखना अभी अंकित खच 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 चलाएगा बढ़िया से। अंकित शर्मा क्यों रहा है? अपने परिवार के लोगों से नमस्ते मस्ते कर लिया करो बाबू। हाय फ्रेंड्स, ये अभिवादन, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है बेटा, यही अपना परिवार ही तो तुम्हें पहुंचाएगा फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में। ओके गुड, सीख रहा है बच्चा, सिखा दूंगा धीरे धीरे। गलत, हाँ फ्रेंड्स को चाय पिलाओ लेकिन तुम दही मट्ठा खाओ, ठीक है? तुम चाय ना पियो बाबू, फटाफट दूध दही घी मट्ठा खाओ। तो फ्रेंड्स देखिए अब गाय और भैंसों को जीजाजी और दीदी ले जा रहे हैं बाग में, बाग के पास छांव में बांधेंगे और ये उधर ही ले जा रहे हैं। ये देखिए आगे आगे जीजाजी और पीछे पीछे गौ माता, ये देखिए ये इनके गांव का दृश्य है, काफी अच्छा गांव है, काफी अच्छे लोग हैं यहाँ, मुझे काफी सम्मान देते हैं। ये जीजाजी का घर बाहर से, ये देखिए फ्रेंड्स। और यह है मुन्नी, मुन्नी बाग में नहीं जाती है, देखिए अभी भी चारा खा रही है। मुन्नी अरे डरते नहीं है बाबू, डरते नहीं है, ये अभी आज छोटी है तो इसकी केयर घर पे ही होती रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स भांजी मेरी शर्मा रही है, कह रही मामा जी अभी रुक जाओ, चारपाई पे बिछा रही है चद्दर। कोई नहीं बेटा, अपना परिवार है, अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर दीदी मेरी देखिए छाछ बनाने जा रही हैं दही से, अभी दिखाऊंगा आपको, ये कुछ दही निकाल रही हैं हम लोगों के लिए, उसके बाद इसको मथेंगी। और देखिए फ्रेंड्स दीदी छाछ बनाना शुरू हो गई दही से, देखिए इस तरह से बनती है, फुल एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ में पीने को मिलता है शुद्ध और पौष्टिक मट्ठा।
भांजा अंकित तैयार है बड़ा डिब्बा लेकर 1.5 लीटर का। ये मान गया, अभी मैंने गुरु मंत्र दिया, चाय पीने जा रहा था। मैंने बेटा चाय पियोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ना है। मट्ठा पियो, दही पियो, बात मान गया मामा की। और चाय छोड़कर 1.5 लीटर का डिब्बा लेकर और इंतजार कर रहा है। शाबाश, ऐसे होने चाहिए बच्चे, आज्ञाकारी, बड़ों की बात माने, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इधर दीदी मेरी बना रही है आम का अचार, प्रोसेसिंग चल रही है अभी। जब रेडी हो जाएगा, यदि मैं यहाँ रहा तो दिखाऊंगा आपको। काफी अच्छा अचार बनाती है दीदी मेरी। और फ्रेंड्स देखिए, इधर भांजा अंकित चलाने लगा चारा काटने वाली मशीन। ये देखिए, बहुत टाइट होता है, ज्वार का पेड़ काफ़ी टाइट होता है और काफ़ी दम लगती है, लेकिन एक्सरसाइज का अनोखा तरीका। आम के आम और गुठलियों के दाम। फ्रेंड्स अपना मोटा फंडा रहता है, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा बना रहे, फुल एक्सरसाइज भी हो जाए और हो जाए साथ में हमारा काम, जिससे विकास हो, उन्नति हो। ये देखिए बहुत सुंदर अंकित, मेहनत कर बेटे। ये और जुल्फें थोड़ी कम रखो। बहुत बढ़िया अंकित, शर्मा क्यों रहे हो, ऊपर देखो। ये देखिए भाई, बॉडी बनाने का नया यंत्र, चारा कूटने वाली मशीन। मामा जी आप ही आ जाओ। ये लो भाई, आ जाओ मामा जी। ये लो भाई, बदले में ये और मिल गया। बाबा डिमांड कर रहा है अंकित कि मामा जी आप भी कुटवा दो। चलो कोई बात नहीं, अंकित की इच्छा पूरी की जाएगी, छोटा है। ठीक है बेटा अंकित, आ जा, तुम वीडियो शूट करो, मैं बनाता हूँ, आओ। ये देखिए मामा जी आज मेरी मदद करने आए हैं। ये देखिए मामा जी एक हाथ से कूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी दीदी है, मैंने सोचा मामा जी मेरी मदद करेंगे, मामा जी ने ये कर दिखाया। एक हाथ से कूट रहे हैं, देखो कितनी स्पीड, स्पीड देखो मामा जी की। यहाँ पे दीदी रख रही है, देखिए फ्रेंड्स बहुत दम लगती है बेटा, पूरा ब्लड प्रेशर धक 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 धक। चलो अच्छा सुबह रखो। देखिए फ्रेंड्स, मोर नाच रहा है, मैं इसके एकदम नज़दीक आ गया, लेकिन फिर भी नहीं डर रहा न भाग रहा, और बस मस्ती में झूमे जा रहा है। कितना सुंदर दृश्य है, मोर नाच रहा है। मैं एकदम पास में हूँ, लगभग 6-7 मीटर का डिस्टेंस है मोर के और मेरे बीच में, लेकिन डर नहीं रहा है, बिल्कुल निडर होकर नाचे जा रहा है। प्रकृति का अद्भुत दृश्य ये बाग बगीचों में देखने को मिलता है। देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। चाचा नमस्ते, मोर नाच रहा है तो सोचा वीडियो ही बना लें। हाँ देखो भाग भी नहीं रहा, ये बिल्कुल 6-7 मीटर की दूरी है और भाग भी नहीं रहा है। हाँ और नजदीक जाऊं थोड़ा सा।